Assalamualaikum guys, hope you're doing good. This is me Aisha Saeed and today I'm going to show you something. And look at this. This is my 3 years old comic book when I was a student of textile designing. And that time this was my assignment जो कि मुझे अपनी स्टडी से रिलेट एक लोगो शोगो तैयार करके बनाना था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पर कि मैंने लिखा है ए और इसके सामने ही टेक्सटाइल लिखा हुआ है और टेक्सटाइल के ऊपर एक थ्रेड बना हुआ है जो थ्रेड्स जो है पूरा मेरे मतलब के जो नाम का लेटर है ए उससे पूरा रोल हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी मतलब के थीम दिखा दी, अपनी प्रोफेशन भी दिखा दिया कि भाई मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ, मैंने उसके अकॉर्डिंग लोगो बना दिया। अब आ जाते हैं इसकी थीम पर। तो इसकी थीम है कास्ट थिंग, कास्ट की चीज़ें मतलब मैंने दो कास्ट को शो किया है इस कॉमिक बुक में और जो दो कास्ट हैं वो हैं बिहारी वर्स यूसुफज़ई। ठीक है, बिहारी और यूसुफज़ई का बड़ा टाकरा सा रहता है। आई नो ये थोड़ी मैसी है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पिछले 3 सालों से कि मैं इसको दिखाऊंगी शो कराऊंगी। और जिस टाइम पे बनाई थी उस टाइम तो मुझे पेंट्स यूज़ करने तो दूर की बात, पेंट्स खोलने भी नहीं आते थे। सो इग्नोर माई पेंटिंग एंड फोकस ऑन माई स्टोरी। अच्छा, बिहारी का एक्सेंट आपको पता ही होगा कि बिहारी कैसे बोलते हैं और यूसुफज़ई नॉर्मली बात करते हैं। तो यूसुफज़ई की तरफ से पहला डायलॉग आ रहा है कि बिहारी हैं क्या, क्योंकि उनका गेटअप ऐसा है साड़ी वाड़ी लोग, तो इसलिए वो पूछ रही हैं। और उनका एक्सेंट भी ऐसा होता है कि सामने वाला पहचान जाता है कि वो बिहारी हैं। तो ये बिहारी कहती हैं आंटी कि जी बिहारी हैं, कोई मसला है का? तो यूसुफज़ई आंटी कहती हैं नहीं मसला तो कोई नहीं है, बस सुना है कि बिहारी बहुत तेज़ होते हैं। तो बिहारी आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं तो आप लोग कौन सा मासूम हुए हैं। फिर आगे से यूसुफज़ई आंटी ये कह देती हैं जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। तो फिर बिहारी तो बिहारी हैं, तो वो कह देती हैं जो कोई नहीं होते वो यूसुफज़ई होते हैं। इस तरह दोनों का मुंह बन जाता है और दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं, बिहारी भी और यूसुफज़ई भी। तो यूसुफज़ई आंटी बोलती हैं कि आप मेरी दाद को कुछ ना बोलें। तो बिहारी आंटी बोलती हैं तो आप भी हमारी दाद को कुछ ना ही बोलें तो अच्छा हो गए। तो इतने में यूसुफज़ई आंटी बोलती हैं जी हम एक कौम हैं और एक पाकिस्तानी हैं। तो बिहारी आंटी भी कहती हैं हम भी यही बोले हैं, ये ज़ात वात कुछ ना ही हो गए, बस इंसान का अखलाक अच्छा हो गए तो सब अच्छा हो गए। इन शॉर्ट स्टोरी इतनी ही है। इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की है कि जो हम कास्ट में और डिफरेंट चीज़ों में हमने आप ख़ुद को डिवाइड कर लिया है कि हम ये हैं आप वो हैं, हम शिया हैं हम सुन्नी हैं, हम ये हैं हम वो हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें करके डिवाइड होके हमने ख़ुद को बहुत सी प्रॉब्लम्स में डाल दिया है। हमें बस इतना सोचना चाहिए कि हम सबसे पहली बात है कि हम मुसलमान हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और मेरा ख़्याल है कि इतना काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एक पाकिस्तानी हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? नहीं, हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं हम ये हैं हम वो हैं। हमें बल्कि इन सब चीज़ों से हट के बस इतना सोचना चाहिए कि हम एक मुसलमान हैं, मुसलमान कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जो हैं एक पाकिस्तानी है। एंड आई थिंक हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इतना काफ़ी है। और काइंडली इन ज़ात के झगड़ों से निकल के कुछ आगे बढ़ के सोचिए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।